वेलकम टू द चैनल कॉल आइडिया 47। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेट्रो व्हीलर शो हो रहे हैं। आज मैं आया हूँ अक्षरधाम। इंटरनल साइड से आपको तो वीडियो नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं एक्सटर्नल साइड से बाहर बाहर से आपको दिखाऊंगा कि अक्षरधाम का आउटसाइड आइडिया किस तरह का दिखता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अक्षरधाम टेंपल एशिया का बिगेस्ट टेंपल है, जहाँ पे स्वामी नारायण का मूर्ति है, जिसका दर्शन करना बहुत ही यूनिक माना जाता है। किसी भी तरह का आपकी इच्छा हो, यहाँ पे पूर्ति हो जाती है। तो आप सबको भी यहाँ पे आना चाहिए, स्वामी नारायण के दर्शन करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं अक्षरधाम रोड के आउटसाइड दिख रहा है आपको। अक्षरधाम जाने के लिए मुझे पहले रोड को क्रॉस करना होगा, जो कि आप ये छोटी सी ब्रिज दिख रहे हैं, इस ब्रिज के थ्रू रोड क्रॉस करना पड़ेगा। चलो उस तरफ को चलते हैं। तो चलो इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं इमीडिएटली। कुछ लोग जा रहे हैं हमारे सामने से। जब हम छोटे थे तो ये टू वे लाइन था, अब ये फोर वे लाइन बन चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अच्छा खासा काम किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मोदी जी ने भी काम किया है वैक्सीनेशन का। चलो फटाफट नीचे उतर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। हमने रोड क्रॉस कर लिए इस छोटे से ब्रिज के थ्रू। वैसे अक्षरधाम जाने का रास्ता तो इस साइड से है, लेकिन मैं आपको बैक साइड का एरिया दिखाता हूँ, इसके लिए मुझे इस तरफ को जाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आउटसाइड एरिया में पाइपलाइन गया पानी का, वाटर पाइपलाइन है, काफ़ी मोटी और लंबी है, देख सकते हैं आप। वैसे आउटसाइड एरिया से सही व्यू नहीं मिल रहा है, बैक साइड का एरिया, अक्षरधाम का बैक साइड। चलो जूम करके दिखाते हैं आपको। इधर कुछ खास नहीं है, तो चलते हैं फ्रंट साइड। अरे डॉग भी अजीब हो गए। काफी क्यूट से डॉग। फ्रंट एरिया है अक्षरधाम का, जूम करके देखते हैं। ये फ्रंट का एरिया है, लेफ्ट साइड में एक छोटी सी झील दिख रही है जैसे आप देख रहे हैं, और ये अक्षरधाम का फ्रंट एरिया। चलो इसे जूम करके देखते हैं। इसका गेट आगे से पड़ता है, अभी आपको आगे का सीन भी दिखाएंगे। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है,
चलो इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं, काफ़ी दूर दिख रहा है वैसे यहाँ से तो। दिन का है समय, इसके धूप के वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। नाइट में भी शूटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे फिर नाइट का शो किस तरह का दिखता है। चलो और वहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे कार लगे हुए हैं, वो है अच्छा धाम का पार्किंग का एरिया, मैं आपको फ्रंट से भी अभी दिखाऊंगा। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है पार्किंग का एरिया अक्षरधाम का, और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि सिपाही जो निगरानी रख रहा है। चलो आगे देखते हैं। एज यू नो गाइस, आई एम शोइंग आई हैव रीच्ड इट फ्रंट ऑफ अक्षरधाम टेंपल, लुक एट दैट। आज वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, संडे का दिन है, काफ़ी भीड़ है, क्राउड जैसे आप देख सकते हैं, कार को देख के आपको लग रहा होगा। और यहाँ सामने देखो कितनी सारी भीड़ है, यहाँ पर डेली इसी तरह का भीड़ होता है, सिर्फ मंडे को छोड़ के, क्योंकि मंडे को ऑफ रहता है। जैसे कि आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अंदर ले जाना मना यार। ये किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी के नीले नीले कैप, ब्लू कैप। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं मैं एंट्री कर लिया हूँ, तो वहाँ पे सामान जमा करना पड़ेगा हमें। और ये पार्किंग एरिया, नहीं रहेगा जवाब। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान जमा करने का ये एक ऑप्शन भी होगा, तो यहाँ से अच्छे दाम दिखेगा आपको फ्रंट ऑफ गेट। ये अक्षरधाम का मेन एरिया था जहाँ से मैंने एग्जिट किया अभी, और यहाँ पे एक और आगे टेम्पल है, दिखाते हैं आपको। गाइस मैंने यहाँ से एंट्री कर ली, दूसरे मंदिर बताया था मैंने, ये है गिफ्ट कार्यालय।
और दिखाते हैं आपको फ्रंट का व्यू। हमने यहाँ से एंट्री कर लिया, अभी टाइम ओवर हो गया, इसे मंदिर खाली कर दिया गया, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। हेलो, बंद हो गया। चलो सुनते हैं टेंपल बंद हो गया। चलो सत्संग, इधर सत्संग होता है, देखते हैं आपको सत्संग किस तरह का। वैसे इस मंदिर में जाने की इच्छा थी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं जा पाया। इसका अंदर का सीन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और शांति मिलती है। चलो किसी और दिन दिखाएंगे आपको। यह सीन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे एक तरफ पक्षधाम टेंपल आपको दिख रहा है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होते हुए। देखिए तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर दृश्य, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अंधेरा काफ़ी हो चुका है, वैसे ही अक्षरधाम मेरे बैग में देख सकते हैं, अक्षरधाम टेम्पल की लाइट ग्लोइंग कर रहे हैं। चलो मैं इसे और भी बेटर वीडियो आपको दिखाते हैं फ्रंट साइड से, इसके लिए हमें फिर से दूसरी तरफ को जाना पड़ेगा और ये बैक साइड का एरिया है। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, काफ़ी अंधेरा होने लग गया है और अक्षरधाम टेंपल की लाइट ऑन कर दिया गया है। चलो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको फ्रंट का एरिया। नाइट्स में ज़्यादा ग्लो करते हैं सही तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं रात काफ़ी हो चुकी है, अंधेरे में अक्षरधाम टेम्पल्स की लाइट्स काफ़ी ग्लो कर रहे हैं, जैसे मैंने दिन में दिखाया था। यहाँ पे एक छोटी सी झील है लेफ्ट साइड में, और फ्रंट साइड में देखिए आप काफ़ी कूल दिख रहा है। चलो मैं थोड़ा और आगे साइड से दिखाता हूँ, फ्रंट साइड से, यहाँ से थोड़ा बैक कर रहा है। इसमें लाइट्स काफ़ी ग्लो होती है, जिसे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की लाइट ग्लोइंग नाउ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं प्रॉपरली फ्रंट साइड से वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। चलो मैं इसे थोड़ा और जूम करता हूँ। बस इसी तरह का नाइट्स में दिखता है अक्षरधाम, और उस एरिया में पार्किंग है, राइट साइड में पार्किंग है, लेफ्ट साइड में एक छोटी सी झील है, वो NH24 हाईवे, और फ्रंट में अपना अक्षरधाम टेंपल।
यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी मज़ेदार वीडियो देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे और भी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।